हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी एंड टेस्टी फूड्स। में फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ठेकुआ की रेसिपी। फ्रेंड्स, ठेकुआ खास तौर पर छठ पर्व में बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ठेकुआ बनाना। ठेकुआ बनाने के लिए हम एक फुल बॉल आटा लेंगे और उससे आधे भाग भी हम सूजी लेंगे और उतने ही क्वांटिटी में हम मैदा लेंगे और 2 बड़े चम्मच हम देसी घी लेंगे और मीठे के लिए हम चीनी ऐड करेंगे। आप चाहे तो गुड़ क्रश करके भी दे सकते हैं और थोड़े से 1 चम्मच सौंफ है और कुछ ड्राई फ्रूट्स है। आमंड मैंने यूज़ किया, आप चाहे तो और कुछ भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। और थोड़े से इलायची के दाने हैं और आटा गूंदने के लिए इसके लिए मैंने पानी की जगह मिल्क का इस्तेमाल किया है। तो चलिए इसको सारा हम मिक्स करें। ये देख सकते हैं मैंने सारे एक बड़े बॉल में ले लिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है और इसमें हम पानी भी ऐड नहीं करेंगे। मिल्क के साथ ऐड करेंगे जितना आटा गूंदने के लिए हमारी ज़रूरत है। हम थोड़े थोड़े मिल्क के साथ आटा को ठेकुआ के आटा को अच्छे से गूंदेंगे। देखिए ठेकुआ आटा इसी की तरह होता है, इसमें और हम मिल्क नहीं डालेंगे, ये ज़्यादा गीला नहीं बनाना है। देखिए इस तरह ही इसको ही हम ठेकुआ का शेप देंगे। इसे अच्छे से इसी तरह इसमें ना पानी ना मिल्क और कुछ ऐड नहीं करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करके इसके बाद हम ठेकुआ बनाएंगे। ये देखिए हमारी आटा ठेकुआ का आटा एकदम रेडी है। अब इसे हम गोल गोल ठेकुआ के शेप बनाएंगे, इस तरह के छोटे छोटे इसको अच्छे से गोल करेंगे। तो देखिए इसको गोल करके हम इसे दोनों हाथ से इस तरह का शेप देंगे। देखिए ये हमारी मोटाई इस तरह का रहना चाहिए, एकदम पतला नहीं। ये देखिए अब इसको हम मनचाहा डिज़ाइन देंगे। ये देखिए इस तरह मैंने हाथ से कर लिया है। अब इसे हम अपना कुछ इसमें डिज़ाइन देंगे। ऐसे तो आप साँचा भी ले सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है ठेकुआ के या साँचा, लेकिन हम ये जो छानने वाले हैं इस तरह इसमें अच्छे से रख के इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और इसे ही हम ठेकुआ का डिज़ाइन देंगे। देखिए इसे अच्छे से प्रेस कीजिए ताकि इसके सारे डिज़ाइन इसमें आ जाए। ये देखिए अब हम इसे आएंगे। धीरे धीरे मटाएंगे। देखिए हमारे अच्छे से ठेकुआ के आकार आ गई है। इसी तरह हम सारे ठेकुआ बना लेंगे और फिर फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे ठेकुआ बना लिया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी ऑयल भी गर्म हो गई है, इसमें हम ठेकुआ फ्राई करेंगे। ठेकुआ देने के बाद और कढ़ाई में ठेकुआ देने के बाद इसे हम आँच कम कर देंगे ताकि ये अच्छे से पके। सारे अच्छे से पक जाएंगे, भी हमें ठेकुआ पतले नहीं होती है पूरी की तरह, ये मोटी होती है। इसे धीमी आँच में थोड़ा अच्छे से पका लीजिए। ये देखिए हमारी ठेकुआ कम आँच में अच्छे से फ्राई हो गई है। देखिए दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकालेंगे। इसी तरह हम सारे ठेकुआ कम आँच में फ्राई करेंगे और हम इसे निकालते हैं। फ्रेंड, रेडी है हमारी ठेकुआ। आप इसे एयर टाइट डब्बे में काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो ये है टेस्टी टेस्टी हेल्दी ठेकुआ।